नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जन अधिकार छात्र परिषद के उम्मीदवार मनीष यादव ने आज बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष यादव भी हैं, पप्पू यादव भी हैं। खुद देर रात आए हैं पप्पू यादव बधाई देने के लिए। और AISF ने इस बार बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में गठबंधन के तौर पर जन अधिकार छात्र परिषद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एक बड़ी जीत, एक बम्पर जीत पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि एक जो राजनीति है पटना यूनिवर्सिटी की 180 डिग्री रोटेट कर चुकी है। क्या कहें सर, हमने एक निर्णय लिया था एक मजबूत विचारधाराओं के साथ जाने का, और मेरा वो संकल्प था, जिद भी था AISF के साथ चलने का। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने संकल्प लिया बेटियों का। जब हम जल समाओ का संकल्प लिए थे, जिसमें जब हम उतरे थे तो जब पीछे से देखे तो वामपंथ के अलावे कोई नजर नहीं आया था। और एक लंबा इतिहास है जनवादी विचारधाराओं का। उसके साथ जब जन अधिकार परिषद चली तो हमें एक विश्वास के साथ हम एक बड़े सपनों के लिए हम आगे बढ़े। और मगध महिला विश्वविद्यालय और विमेंस विद्यालय कॉलेज मगध से लेकर के कोसी तक, भोजपुरी से लेकर अंगिका तक, सभी लोगों ने जिस उम्मीद के साथ एक जिम्मेदारी दी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ यह प्राथमिकता हम दोनों मिलकर अभी मिथिला विश्वविद्यालय, फिर भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय और फिर बिहार, एक नई आज़ादी, एक नया सपना, एक नया संकल्प, आम आदमी की आवाज़, अभाव में जीने वालों की आज़ादी, एजुकेशन की आज़ादी, JNU DU जामिया BHU और AMU से बड़ा इतिहास है पटना यूनिवर्सिटी का। जयप्रकाश नारायण, खुदीराम बोस, राजेंद्र प्रसाद और उन व्यक्तित्व को समर्पण यह जीत, वशिष्ठ बाबू, ऐसे लोगों के लिए यह जीत को हम समर्पित करते हैं। और नए सेंट्रल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की सपना था, उसके पहले हम लोग की प्राथमिकता होगी छोटे छोटे कर्मचारियों, हॉस्टल, हॉस्टल का विकास, हॉस्टल की स्वच्छता, उसकी सुरक्षा, उसके खान पान और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना, प्रोफेसर, साथ साथ सबसे ऊपर बेटियों की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे हम। लेकिन CPI और जन अधिकार पार्टी के छात्र JDU सर, बेटी हार हुई है, क्या संकेत है? सुरक्षित है सर, सरकार लॉ एंड फैल कर चुका है, वो सरकार रिजाइन करे और चले चुनाव की ओर। जिस बिहार में बेटी सुरक्षित ना हो, एजुकेशन और हेल्थ सुरक्षित ना हो, यूथ को आप मरने पर मजबूर कर दें, तो उस बिहार में अब जनता ने तय कर दिया जन अधिकार पार्टी AISF के नेतृत्व में, अब जनता दल यू और ABP का जो खतरनाक खेल था पटना यूनिवर्सिटी से, यह दो विचारधारा ने शुरू किया है, इसको आज़ादी के अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे। सुशील जी, आप लंबे अरसे से छात्र राजनीति करते रहे हैं, जिस तरीके से जीत हुई है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप इसको? यह जीत पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत है, और AISF और जन अधिकार छात्र परिषद ने जिस तरह का संघर्ष किया था, प्राथमिकता में हमारे संघर्ष था, उस संघर्ष की जीत है। हम आने वाले दिनों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ को विद्यार्थियों की उम्मीदों का मंच बनाएंगे और विद्यार्थियों के संघर्षों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो वादे किए थे हम लोगों ने, उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो वादे किए गए थे स्टूडेंट से, उन वादों को पूरा करने के लिए हम आगे कार्यरत रहेंगे। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2019 में जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के मनीष कुमार ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। और साथ ही बता दें कि इस बार चुनाव में AISF और जन अधिकार छात्र परिषद ने संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार उतारा है, जिससे कि मनीष कुमार जो पप्पू यादव के स्टूडेंट विंग जो है जन अधिकार छात्र परिषद के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, और आज उन्होंने जीत दर्ज की। अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।